वहीं पर शमा फिरोजी के फराइज के अंजाम हमारे बहुत ही मोहसिन के सपुर्द कही गए। मोहसिन उर्दू अदब इस वक्त पूरे शहर में एक ऐसी मोहब्बतों की मिसाल बन बैठा है। मोहतरम उल मकाम अली जनाब, उर्दू वक्त उर्दू का ये ऐसा सिफाई है जिसकी जितनी ताजीम की जाए, जिससे जितनी मोहब्बत की जाए कम है। उर्दू की राह में कुर्बानी देने वाली ये अजीम हस्ती जो इस वक्त कौम मिल्लत का खादिम बनकर उभर रहा है और हमारे दरमियान मोहब्बत की जबान फैलाने वाली शख्सियत अली जनाब अलीम खान बाटला साहब से मैं गुजारिश करूंगा और अरशद अली मुन्ना साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ लाए और शमा फिरोजी की एक फराइज अंजाम देने की रस्म है जो वो अदा होनी चाहती है। मैं इकबाल मलिक साहब से गुजारिश करूंगा, अलीम खान बाटला साहब से गुजारिश करूंगा और कप्तान अब्दुल रशीद कप्तान मलिक साहब से गुजारिश करूंगा, सभा मुबारक पुरी साहब से शकील खान साहब भी यहाँ तशरीफ लाए, हमारे काजिम शेख साहब, असलम शेख साहब, उसी के साथ साथ कुतुबुल्ला खान साहब, निहाल भाई आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है कि इन मोहब्बत नवाज शख्सियात के दरमियान ये शमा फिरोजी की एक रस्म है जो अदा होनी चाहती है। दोस्तों इसका इस्तकबाल होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि शाहिद आजमी साहब के नाम से एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इस अजीम शान हस्ती को हम गुलाए मोहब्बत खराज तहसीन अदा कर रहे हैं। ये रस्म मोहब्बत ही जो अदा हो रही है और ये इस बात का ऐलान है कि मुशायरे का बाकायदा आगाज हो चुका है और ये मेहमान की शमूलियत बासे मुसर्रत कि आज मेहमानों का ये जमघटा ये खराज तहसीन पेश कर रहा है मरहूम एडवोकेट शाहिद आजमी साहब को।